हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्किल क्लासेस में। आप पढ़ रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी पैटर्न बुक और मैं पढ़ा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5। मैं प्रीवियस वीडियो पे आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 कम्प्लीट करवा चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वीडियोज नहीं देखे हों, डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जिसके माध्यम से आप सभी एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.3 के सभी वीडियोज आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें आपसे कहे गए हैं वेरीफाई द फॉलोइंग, यानी आपको इन क्वेश्चंस को क्या करना है, वेरीफाई करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्लास 7th क्वेश्चन नंबर 5th ए, और करना है आपको इनमें क्वेश्चंस में वेरीफाई, यानी आपको क्या बताना है, हमें क्वेश्चंस पे वेरीफाई करना है। क्वेश्चन है आपका 12 मल्टीपल माइनस 17 प्लस 5 इक्वल टू 12 मल्टीपल माइनस 17 प्लस 12 मल्टीपल 5। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है जिसे हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए आपको इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन करने, यहां पे देखिए LHS की वैल्यू दी गई है और ये फिर RHS नोट है, ये RHS की वैल्यू हो गई। अब हमें इसे सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन करने के बाद LHS इक्वल टू RHS लेकर आना है, जिन्हें हमें वेरीफाई करना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। पहले सबसे पहले LHS देख लीजिए, 12 मल्टीपल यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लीजिए माइनस 17 प्लस 5 इक्वल टू, और इस बारे में ब्रैकेट्स में जो दिए गए हैं ब्रैकेट्स उनको ओपन कर लीजिए। 12 मल्टीपल माइनस 17 दिया गया तो मल्टीपल माइनस 17 लिख लीजिए प्लस, एंड ये लिखा हुआ आपका 12 मल्टीपल 5, सॉल्व कर लीजिए। 12 मल्टीपल माइनस 17 प्लस 5, तो 17 में 5 माइनस हो जाएगा 12, और यहां पर देखिए 17 ग्रेटर नंबर, तो साइन क्या लगा लेंगे, माइनस लगा लेंगे, इक्वल टू। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं कि जो जब प्लस और माइनस के साइन आते हैं तो यहां पर जो भी ग्रेटर नंबर होता है उसे लोएस्ट नंबर को माइनस कर देते हैं और साइन यहां पर माइनस ही पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, माइनस 12। और इसे भी देखिए सॉल्यूशन कर लीजिए, तो 12 7 जा यहाँ पर देखिए प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा और 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 12 7 जा 84, 4 कैरी 8, 12 1 जा 12 और 8 120, 1204 माइनस 1204 प्लस, और 12 5 जा यहाँ पे देखिए प्लस प्लस का है, 12 5 जा 60, सॉल्यूशन कर लीजिए। 12 से 12 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 12 12 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, 12 2 जा 24, 4 कैरी 2 एंड 12 1 जा 12 और 2 14 144, यहां मल्टीप्लीकेशन हो 12 7 जा 84, 4 कैरी 8, 12 1 जा 12 और 12 और 820, सॉरी यहाँ पर 20 आएगा, 204 माइनस 204 एंड इक्वल टू, और यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस की वैल्यू दी गई, जो कि ग्रेटर नंबर लोएस्ट नंबर को माइनस कर दीजिए, तो 4 में 0 4 माइनस करेंगे 4 और 10 में 6 माइनस करेंगे 4 और यहाँ पर 1, तो माइनस, ये देखिए LHS इक्वल टू RHS, दैट इज वेरीफाइड क्वेश्चन, यानी आपको सॉल्यूशन करना है, LHS आपको सॉल्व कर देना है, RHS की वैल्यू सॉल्व कर देना है, दैट इज आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन 5th ए समझ में आ गया होगा, वेरीफाइड क्वेश्चन है जिन्हें आपको सॉल्यूशन करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा देते हैं आपको 5th बी, ये भी सेम इसी तरह है, जिसमें आपको क्वेश्चन आपको सिर्फ आपको दिए गए हैं, आपको सिर्फ वेरीफाई करने हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 5th बी, वीडियो लंबा जरूर हो जाए, पूरा वीडियो जरूर देखिए, और मैं आपको सभी क्वेश्चन इसमें आपको पूरा पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप सभी पूरे क्वेश्चन को आप देखिए समझिए। यहाँ पे बी क्वेश्चन देखिए दिया गया है, माइनस 23 मल्टीपल माइनस 4
प्लस माइनस 9 इक्वल टू माइनस 23 मल्टीपल माइनस 4 प्लस एंड सेकेंड ब्रैकेट्स पे माइनस 23 मल्टीपल माइनस 9 ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए आप बी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इन्हें भी सोल्यूशन इसी तरह करना है और हमें क्वेश्चन क्या करना है, वेरीफाइड करना है, वेरीफाई करके आपको क्वेश्चन बताने हैं। सोल्यूशन देख लीजिए, माइनस 23 मल्टीपल माइनस 4 प्लस 9, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 9 हो जाएगा। इसे LHS इक्वल टू सोल्यूशन कर लेते हैं। RHS को जो वैल्यू दी गई इन्हें भी सोल्यूशन कर लीजिए। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा प्लस एंड 23 मल्टीपल 4 नोट कर लीजिए, मल्टीपल अभी कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में प्लस का साइन। और यहाँ पर भी देखिए मल्टीप्लीकेशन आपको दिएगा, रेवी मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हैं, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो प्लस और 23 मल्टीपल 9 मल्टीपल हम लोग नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप, माइनस 23 मल्टीपल माइनस 4 और माइनस 9, देखिए दोनों माइनस माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, माइनस 4 9 13 हो जाएगा इक्वल टू 3 4 3 जेट 12 टू कैरी 1 और 4 2 जेट 1 9 प्लस। और यहां पर भी मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 9 3 जेट 27 7 कैरी 2 9 2 18 और 18 टू 20 207, यहां पर मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस हो जाएगा, 13 3 69 9 कैरी 6 और 13 टू 26 26 एंड 6 32 मल्टीपल अंको प्लस कर लीजिए, 7 टू 9 9 एंड 7 टू 9 909 एंड 9 299। यहां पे देखिए LHS इक्वल टू RHS नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम हो गई क्या, 13 3 39 9 कैरी 3 13 टू 26 26 एंड 3 29 सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो गया 299। LHS इक्वल टू RHS दैट इज वेरीफाइड क्वेश्चन। सिर्फ आपको सॉल्यूशन पे ध्यान रखना है, LHS की वैल्यू आपको जो भी दी जाए RHS की वैल्यू दी जाए, वेरीफाइड जब भी करने के लिए कही जाएंगे तो LHS और RHS की वैल्यू क्या आएगी, दोनों सेम वैल्यू आएंगी। आई होप आपको फिफ्थ बी भी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इसमें देखिए कई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, फिफ्थ बी के बाद देखिए यहाँ पे फिफ्थ सी भी है और फिफ्थ डी है, तो सेम क्वेश्चन आपके इसी तरह हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए गए हैं।